सांस्कृतिक साहित्यिक और सामाजिक संस्था संगम के तत्वावधान में एक सम्मान समारोह एवं काव्य संध्या का आयोजन DVNPG कॉलेज के सभागार में किया गया, जिसमें बतौर अतिथि प्रोफेसर रामदेव शुक्ल के अलावा पूर्व कुलपति प्रोफेसर राम अचल सिंह, मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर ओंकार सिंह, पूर्व विधायक राजेश त्रिपाठी, रविन्द्र श्रीवास्तव उर्फ जुगानी भाई, कन्हैया सिंह सहित अन्य शिक्षक और बुद्धिजीवी मौजूद रहे। इस मौके पर संस्था द्वारा साहित्य, शिक्षा, समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान करने वाले विभूतियों को अंग वस्त्र व स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए संस्था के अध्यक्ष नरसिंह बहादुर ने बताया। आपने 1988 से सहायक अभियंता नियोजन उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड के रूप में सेवाएं प्रारंभ की तथा जुलाई 1955 से सहायक अभियंता के रूप में प्रवासी थे। प्रोफेसर एसए जी के रूप में अपनी अमूल्य सेवाएं दी। 1978-17 से आप मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय गोरखपुर के कुलपति पद को गौरवान्वित कर रहे हैं। विश्वविद्यालय के निश्चित रूप से उनकी सेवाएं समाज के लिए, देश के प्रति अति महत्वपूर्ण है। ऐसे व्यक्ति को समाज के प्रति हुए संस्थापन को गौरवान्वित महसूस कर रही है। अगर योग्य पड़ोसी के साथ पूजा मंच पर आ जाए बिंदु मिश्रा जी सामने सम्मान प्रदान किया जाए। था का उद्देश्य कि समाज के अच्छे उच्च लोगों